नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। सिडनी टेस्ट मैच के चौथे दिन भी भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज पर नस्लियां टिप्पणी की गई और इसके बाद मामला ज्यादा गंभीर हो गया। इस टेस्ट मैच के दूसरे और तीसरे दिन भी ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों द्वारा ऐसा किया गया था, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के एक अधिकारी ने आरोप लगाया कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को रविवार को तीसरे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के कुछ समूह ने नस्लियां टिप्पणियां करते हुए ब्राउन डॉग और बिग मंकी कहा था। हालांकि इस घटना के बाद इन दर्शकों को मैदान से बाहर कर दिया गया। वहीं आईसीसी इस मामले में सख्त हो गई है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि मोहम्मद सिराज को ब्राउन डॉग और बिग मंकी कहा गया, ये दोनों ही नस्लीय टिप्पणी है, जिसके बाद मैदान पर मौजूद अंपायरों को तुरंत इस मामले की जानकारी दी गई और वो बुमराह को भी लगातार अपशब्द कह रहे थे। इससे पहले भी सिराज और बुमराह को निशाना बनाया गया था और इसके बाद भारतीय टीम प्रबंधन ने मैच रेफरी डेविड बून से इसकी शिकायत की थी। सिडनी में रविवार को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 86वें ओवर के दौरान सिराज को बाउंड्री से आकर स्क्वायर लेग अंपायर से बात करते हुए देखा गया, जिसके बाद गेंदबाजी छोर से अंपायर और बाकी सीनियर खिलाड़ी भी वहां आकर चर्चा करने लगे। खेल लगभग 10 मिनट तक रुका रहा, जिसके बाद स्टेडियम के सुरक्षाकर्मी और न्यू साउथ वेल्स पुलिस के कर्मचारी संबंधित स्टैंड में गए और जहां से अपशब्द कहे जा रहे थे, आसपास बैठे 6 लोगों को पुलिस ने स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। अब ये न्यू साउथ वेल्स पुलिस की हिरासत में है। पता चला है कि शनिवार को भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद मैच अधिकारियों को दर्शकों के दुर्व्यवहार के बारे में बताया था, लेकिन तब तक वो स्टेडियम से जा चुके थे। बीसीसीआई सूत्र के मुताबिक दरअसल भारतीय खिलाड़ी मैच के दौरान अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहते थे और फैसला किया गया कि दिन का खेल खत्म होने के बाद इस मामले की शिकायत की जाएगी। हालांकि अंपायरों ने हमें कहा था कि जब भी इस तरीके की कोई चीज हो, खिलाड़ी तुरंत इसकी जानकारी दें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है और मेहमान टीम से माफी भी मांगी है। वहीं दूसरी तरफ आईसीसी ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। अब देखना है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस पर और कितनी कड़ी कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।